हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ पैरेलल डेटाबेस सिस्टम। तो ये मेरा पैरेलल डेटाबेस में लास्ट वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे इंटर ऑपरेशन पैरेललिज्म के बारे में। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया था कि क्वेरी पैरेललिज्म क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने बताया था कि क्वेरी पैरेललिज्म 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें मैंने जो है 3 टाइप्स को एक्सप्लेन किया था। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं 4th टाइप के क्वेरी पैरेललिज्म को एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं अनिल के शर्मा, आप लोगों का मेरे इस वीडियो पे स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटर ऑपरेशन पैरेललिज्म। तो इंटर ऑपरेशन पैरेललिज्म क्या है, तो इसको समझने से पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललिज्म क्या है या पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। तो जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि पैरेलल डेटाबेस प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि लेट्स सपोज एक कंपनी में जो है 7 डिपार्टमेंट्स है और 7ों डिपार्टमेंट में से 7ों एम्प्लॉई अपने अपने डिपार्टमेंट से कंप्यूटर पे डेटाबेस एप्लीकेशन से कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करते हैं। तो एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन मेन डेटाबेस सिस्टम से उठ करके आती है। तो मेन डेटाबेस सिस्टम का यहाँ पर मतलब है कि जहाँ पर ओरेकल का डेटाबेस स्टोर है, जहाँ पे कंपनी का जो है एंटायर डेटाबेस स्टोर है, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन उठ कर के आती है। तो कंपनी के मेन डेटाबेस की तरफ, यानी कि जितना डेटाबेस सिस्टम लगा हुआ है, स्टोर है, तो उस सिस्टम की तरफ, डेटाबेस सिस्टम की तरफ हम क्या करते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसर को लगा देते हैं। तो मल्टीपल प्रोसेसर को अगर हमने वहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम बोलेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम बोलेंगे। पैरेलल डेटाबेस का वही कॉन्सेप्ट है। और अगर हमने एक ही प्रोसेसर लगा रखा है यूजर्स के रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, तो हम सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं। तो सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक प्रोसेसर डेटाबेस की साइड से मल्टीपल यूजर्स के रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाता है, मल्टीपल यूजर्स के पास इंफॉर्मेशन बहुत लेट पहुंचती है, तो परफॉर्मेंस बहुत ख़राब आती है, बहुत ख़राब होती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है वहां पर मल्टीपल प्रोसेसर लगा देते हैं। और उसके बाद जब मल्टीपल रिक्वेस्ट डेटाबेस सिस्टम की तरफ आती है तो मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और फटाफट जो है सारे रिक्वेस्ट के टास्क को एग्जीक्यूट करके सभी रिक्वेस्ट को एट द सेम टाइम इंफॉर्मेशन डेटाबेस सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है। तो बेसिकली पैरेलल डेटाबेस के इस कॉन्सेप्ट में ही इंटर ऑपरेशन पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो आइए समझते हैं कि इंटर ऑपरेशन पैरेललिज्म में क्या होता है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म। इंटर ऑपरेशन पैरेललिज्म क्या है, एक फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म है। फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म का मतलब ये है कि एक यूजर के इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए डेटाबेस सिस्टम अगर एक इंफॉर्मेशन को यूजर प्रोवाइड करना चाहता है तो डिस्क से डेटाबेस सिस्टम को डेटा को रीड करना पड़ेगा। तो डिस्क से डेटा को रीड करने के लिए डेटाबेस सिस्टम क्या करता है, मल्टीपल एक ही क्वेरी को सब पार्ट में तोड़ करके मल्टीपल क्वेरीज को रन करता है और उसके बाद डिस्क में से डेटा को रीड करता है। तो ये केस कब होता है, मल्टीपल क्वेरीज को इम्प्लीमेंट करने की डेटाबेस सिस्टम को ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, जब हम पूरे डेटाबेस को, पूरी डेटा को हम मल्टीपल डिस्क के ऊपर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो पैरेललिज्म का यहाँ पर मतलब यही है कि जब यूज़र का रिक्वेस्ट डेटाबेस सिस्टम के पास आता है तो यूज़र की रिक्वेस्ट को जो है, यूज़र को उसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए
डेटाबेस सिस्टम क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में अलग अलग डिस्क से जब उसको इन्फॉर्मेशन फेच करना होता है तो इन्फॉर्मेशन को फेच करने के लिए एक क्वेरी को रन करता है, और उस क्वेरी को भी आगे तीन चार पांच पार्ट्स में जो है तोड़ करके उसको रन करता है, और अलग अलग पार्ट्स जो है अलग अलग डिस्क पे जा करके डेटा को रीड करके बाकी सबको कंबाइन करके जो है डेटाबेस सिस्टम को रिजल्ट दे देता है, और डेटाबेस सिस्टम क्या करता है जो है यूजर को इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो पैरेललिज्म का यहाँ पर मतलब वही हो गया कि एक क्वेरी रन होने के बाद अलग अलग डिस्क पे डेटा को रीड करने के लिए एक क्वेरी को ही मल्टीपल क्वेरीज में तोड़ करके एक ही टाइम पर मल्टीपल क्वेरीज को रन किया जाता है डेटाबेस डिस्क से डेटा को फेच करने के लिए। तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म, ये एक पैरेललिज्म का फॉर्म है वेयर मैनी डिफरेंट क्वेरीज आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्वेरीज को पैरेलल वे में एट द सेम टाइम जो है रन किया जाता है विद वन अनदर ऑन मैनी प्रोसेसर्स, और इन सारे क्वेरीज को रन कराने के लिए बहुत सारे प्रोसेसर भी इनको सपोर्ट करते हैं। सिंगल प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करेगा, मल्टीपल प्रोसेसर यहाँ पर सपोर्ट करेगा, जैसा कि मैं पिछले कई वीडियोस में बात करता हुआ आ रहा हूँ पैरल डेटाबेस के वीडियोस में। तो इंटर ऑपरेशन पैरलिज्म रेफर्स टू, अब क्या होता है इंटर ऑपरेशन पैरलिज्म, तो इंटर ऑपरेशन पैरलिज्म रेफर्स टू द एबिलिटी टू ब्रेकअप ए क्वेरी। ये क्या करता है इंटर ऑपरेशन पैरलिज्म में, क्या होता है कि एक क्वेरी को ब्रेकअप कर दिया जाता है, एक क्वेरी को तोड़ दिया जाता है इंटू मल्टीपल पार्ट्स, मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है अक्रॉस मल्टीपल पार्टीशन ऑफ पार्टीशन डेटाबेस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि डेटा को टेबल्स को हम तीन चार पांच पार्ट्स में तोड़ करके अलग अलग डिस्क के ऊपर डेटा को फैला देते हैं। तो अलग अलग डिस्क के ऊपर डेटा को जब हम फैला देते हैं तो अलग अलग डिस्क से डेटा को रीड करने के लिए इंटर ऑपरेशन पैरेललिज्म में क्या होता है कि एक ही क्वेरी को बहुत सारे सब क्वेरी में मल्टीपल पार्ट्स में मल्टीपल सब क्वेरी में जो है तोड़ करके अलग 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 डिस्क पे जा करके उसको रन करके अलग अलग डिस्क से डेटा को फेच करता है, और वो मल्टीपल क्वेरीज अलग अलग डिस्क पे जा करके अलग अलग डेटा को फेच करके फिर बाद में सबको कंबाइन करके अब वापस डेटाबेस सिस्टम को दे देता है, और डेटाबेस सिस्टम फिर क्या करता है यूजर को वो इंफॉर्मेशन भेज देता है। तो द क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, तो क्वेरी जो है वो पैरेलल वे में एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब अगर क्वेरी को चार पांच सब क्वेरी में अगर तोड़ दिया गया है तो चार पांच सब क्वेरी जो है एक ही साथ रन करेगी, तो उसी को बोला गया है कि क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल वे, और एक साथ रन होती है कहाँ पे, ऑल ऑफ द डेटाबेस पार्टीशन। तो डेटाबेस की जितनी भी पार्टीशन हमने कर रखी है, मतलब कि डेटा को जितने पार्टीशन पे हमने स्टोर कर रखा है सारे पार्टीशन पे जा करके एक ही क्वेरी बहुत सारे सब क्वेरी में डिवाइड हो करके सारे पार्टीशन पे जा करके रन होती है, हर पार्टीशन से डेटा को फेच करके, और जो है सारे सब क्वेरीज डेटा को फेच करके फिर एक कंबाइंड रिजल्ट जो है डेटाबेस को दे देती है। तो बेसिकली अगर हम इंटर ऑपरेशन पैरेललिज्म की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटर ऑपरेशन पैरेललिज्म, पहले को बोलते हैं पाइपलाइंड पैरेललिज्म और दूसरे को बोलते हैं इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म। तो एक एक करके समझते हैं कि पाइपलाइंड पैरेललिज्म क्या है और इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म क्या है। पाइपलाइंड पैरेललिज्म, तो आइए समझते हैं कि पाइपलाइंड पैरेललिज्म क्या है। तो इन पाइपलाइन पैरेललिज्म, तो पाइपलाइन पैरेललिज्म में क्या होता है कि द आइडिया इज टू कंज्यूम द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑपरेशन बाय द नेक्स्ट ऑपरेशन इन द पाइपलाइन। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा और परफॉर्म होने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा
उस रिजल्ट को दूसरा ऑपरेशन क्या करेगा, एज एन इनपुट लेकर के फिर वो ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, फिर वो जो रिजल्ट देगा उसके बाद तीसरा ऑपरेशन क्या करेगा, उस रिजल्ट को एज एन इनपुट लेकर के फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और इन तीनों जगह पर ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा तो वहां पर क्वेरी रन करेगी। तो इसी को पाइपलाइन पैरेललिज्म कहते हैं, मतलब एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा उससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट दूसरा ऑपरेशन लेगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, उस रिजल्ट को फिर तीसरा ऑपरेशन लेगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर उसको उससे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे करके लास्ट में जो है रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। तो जैसे यहाँ पर जो डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पर क्या है कि एक क्वेरी को मल्टीपल सब क्वेरी में तोड़ दिया गया है। तो सब क्वेरी 1.1, सब क्वेरी 1.2, सब क्वेरी 1.3 और सब क्वेरी 1.n, तो मल्टीपल सब क्वेरी में तोड़ दिया गया है। और जब फर्स्ट सब क्वेरी रन होगा तो उसमें क्या होगा कि एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और डिस्क से डेटा को रीड करेगा, एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और डिस्क से, फिर दूसरे डिस्क से वो ऑपरेशन क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा, फिर जो है तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर पहला ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है तो उसका जो भी रिजल्ट आता है वो दूसरा ऑपरेशन उसको ले लेता है और ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, इसका जो भी रिजल्ट आता है वो तीसरा ऑपरेशन उसको एज एन इनपुट लेकर के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और फाइनली एंड में जा कर के रिजल्ट को प्रोवाइड करता है। तो हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग प्रोसेसर जो है यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो उसके बाद सब क्वेरी 1.2 के केस में भी बिल्कुल ऊपर वाला ही सब कुछ होगा, सब क्वेरी 1.3 के केस में भी ऊपर वाला ही सब कुछ होगा, और इसी तरीके से जितनी भी सब क्वेरी है सब के केस में बिल्कुल ऊपर की ही तरह सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और लास्ट में सारे रिजल्ट को कंबाइन करके जो है रिजल्ट डेटाबेस को प्रोवाइड कर देगा, डेटाबेस सिस्टम फिर यूजर को इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा। तो ये थी पाइपलाइन पैरेललिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म। तो आइए देखते हैं कि इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म क्या है। तो ऑपरेशंस दैट आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल एट डिफरेंट प्रोसेसर्स। तो इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म में क्या होता है कि हमने पाइपलाइन पैरेललिज्म में देखा था कि जब एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसी रिजल्ट को दूसरा ऑपरेशन ले करके फिर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फिर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, उसी को लेकर के फिर तीसरा ऑपरेशन, उसी रिजल्ट को लेकर के तीसरा ऑपरेशन जो है फिर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। बट इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म में क्या होता है कि ऑपरेशंस दैट आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल एट डिफरेंट प्रोसेसर्स। तो इस केस में क्या होता है कि सारे ऑपरेशंस इंडिपेंडेंटली अलग अलग रन करेंगे और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। जैसे कि पाइपलाइन वाले पैरेललिज्म के केस में क्या था कि सबसे पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा तब जाकर के दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो वहां पर सारे ऑपरेशन एक दूसरे के ऊपर, सारे ऑपरेशंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां सारे ऑपरेशंस जो है वो डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, और हर ऑपरेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है पैरेलल वे में एग्जीक्यूट कराया जाता है और उसके लिए डिफरेंट प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं। तो इसी को इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि क्वेरी को मल्टीपल सब क्वेरी में तोड़ दिया गया है और सब क्वेरी 1.1 को जो है रन कराया गया है। तो यहाँ पर क्या है, सब क्वेरी को भी जो है, सब क्वेरी में यहाँ पे क्या हो रहा है कि कितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे
उतने ऑपरेशन को यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। मान लीजिए सब क्वेरी 1.1 में एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन, चार ऑपरेशन, एम ऑपरेशन, कितने ऑपरेशन परफॉर्म कराने की ज़रूरत है, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब क्वेरी का ऑपरेशन नंबर 1 इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है, ऑपरेशन नंबर 2 सब क्वेरी 1.1 का ऑपरेशन नंबर 2 ये भी इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है, और उसी तरीके से सब क्वेरी 1.1 का और भी बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कराने की ज़रूरत है सिस्टम को, डेटाबेस सिस्टम को, तो और भी ऑपरेशन को मल्टीपल टाइम्स तक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाएगा। तो इस तरीके से ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3, ऑपरेशन 4, ऑपरेशन 5, ऑपरेशन एम, ये सारे ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली जो है रन कर रहे हैं, और हर ऑपरेशन को रन कराने के लिए एक प्रोसेसर जो है सपोर्ट कर रहा है। यहाँ ऑपरेशन 1 को सपोर्ट कर रहा है प्रोसेसर 1, यहाँ ऑपरेशन 2 को सपोर्ट कर रहा है प्रोसेसर 2, यहाँ ऑपरेशन 3 होगा तो सपोर्ट करेगा प्रोसेसर 3, ऑपरेशन 4 होगा तो सपोर्ट करेगा प्रोसेसर 4, और ऑपरेशन M है तो सपोर्ट करेगा प्रोसेसर M या K। ठीक है, तो एक ऑपरेशन, एक प्रोसेसर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और डेटा जो अलग अलग डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है तो अलग अलग डिस्क पर जा करके डेटा को फेच करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब क्वेरी 1.1 का एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है एक प्रोसेसर, और वो एक ऑपरेशन परफॉर्म हो करके जो यहाँ डेटा फ्रेगमेंट 1, इसको डिस्क 1 बोलते हैं, तो इस डिस्क 1 से रीड करके क्या करेगा, रिजल्ट वापस आ जाएगा क्वेरी के पास। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दूसरा प्रोसेसर इसको रन कर रहा है, तो दूसरे डिस्क पे जा करके डेटा को फेच करके वापस क्वेरी को दे देगा रिजल्ट। इसी तरीके से जितने भी ऑपरेशन रन करेंगे तो वो सारे ऑपरेशन अलग अलग डिस्क पे जा करके डेटा को फेच करके सब अपना अपना रिजल्ट लास्ट में क्वेरी 1 को दे देंगे, और फाइनली सबको कंबाइन करके क्वेरी 1 क्या करेगा, एक रिजल्ट दे देगा। तो इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म यही होता है। तो थोड़ा सा और डिफरेंस समझ लेते हैं कि पाइपलाइन पैरेललिज्म और इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म में क्या अंतर है। तो पाइपलाइन पैरेललिज्म में क्या होगा कि एक क्वेरी को मल्टीपल सब क्वेरी में तोड़ दिया जाएगा, और प्रत्येक हर सब क्वेरी अगर हम पाइपलाइन पैरेललिज्म में बात करें तो वहाँ पर पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि सब क्वेरी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी, और करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को लेकर के फिर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको लेकर के फिर तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको एज एन इनपुट लेकर के फिर चौथा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है ऑपरेशन जो है पाइपलाइन पैरेललिज्म में ऑपरेशन क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक एक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट को लेकर के फिर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और फिर जब रिजल्ट आएगा तो उसी रिजल्ट को लेकर के तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये सब होता है पाइपलाइन पैरेललिज्म में। बट इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म में क्या होता है कि क्वेरी को मल्टीपल सब क्वेरी में तोड़ दिया जाता है, और हर सब क्वेरी प्रत्येक सब क्वेरी क्या करता है कि अलग अलग पार्टीशन पे डेटा को रीड करने के लिए अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और बाद में सबसे जो है डेटा को फेच करके सब क्वेरी वापस ले लेता है, और वो सब क्वेरी फिर मेन क्वेरी को रिजल्ट दे देता है। तो आई होप कि आपको जो है पाइपलाइन पैरेललिज्म और इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म समझ में आ गया होगा। अब पैरेलल डेटाबेस सिस्टम में कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे जो बार बार आते हैं। तो इन टर्मिनोलॉजीज में हमारे पास जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होता है, तो क्लस्टर कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम में यूज होता है। तो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम क्या है, तो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ
कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में से एम्प्लॉई अपने डेटाबेस एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली मेन डेटाबेस से उठ करके आ रही है। तो मेन डेटाबेस मतलब जहाँ पर हमारा डेटाबेस का सर्वर लगा हुआ है, जहाँ पर हमारा ओरेकल का डेटाबेस जो है इंस्टॉल है। तो उस डेटाबेस सर्वर पे अगर एक प्रोसेसर लगा हुआ है तो उसको सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं, और वहाँ पर अगर मल्टीपल यूजर्स के रिक्वेस्ट आएंगे इंफॉर्मेशन के लिए, तो सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में या वो एक प्रोसेसर जो डेटाबेस सिस्टम में लगा हुआ है वो मल्टीपल यूजर्स के रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि हर यूजर के पास इंफॉर्मेशन जो उठ उठ करके आएगी वो बहुत लेट इंफॉर्मेशन उठ करके आएगी, तो ऐसे काम नहीं हो पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है एक प्रोसेसर ना लगा करके वहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर को लगाया जाता है, ताकि मल्टीपल यूजर्स की रिक्वेस्ट अगर वहाँ पर आती है तो मल्टीपल प्रोसेसर एक साथ सर्व करते हैं और मल्टीपल यूजर्स को इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डेटाबेस सिस्टम की तरफ, उसी को क्लस्टर कंप्यूटिंग बोला जाता है। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग का मतलब कि डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है हम मल्टीपल प्रोसेसर को, या मल्टीपल उसको नोड्स भी बोलते हैं, तो मल्टीपल प्रोसेसर या मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल नोड्स को जोड़ दिया जाता है, ताकि मल्टीपल यूजर से इंफॉर्मेशन के लिए जब रिक्वेस्ट आती है उस मल्टीपल नोड्स के पास, तो सारे नोड्स जो है इक्वली वर्क करते हैं और यूजर्स को इंफॉर्मेशन सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो भी समझते हैं कि क्लस्टर कंप्यूटिंग रेफर्स दैट, क्लस्टर कंप्यूटिंग रेफर करता है कि मैनी ऑफ द कंप्यूटर्स कनेक्टेड ऑन ए नेटवर्क। तो एक नेटवर्क पे डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और वो सारे के सारे कंप्यूटर्स जो है परफॉर्म करते हैं एक सिंगल एंटिटी की तरह, एक सिंगल सिस्टम की तरह, जहाँ पर इच कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क, जहाँ पर हर कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है वो एक नोड कहलाता है, और नोड कहलाता है। तो इसी पूरे सिस्टम को क्लस्टर कंप्यूटिंग बोला जाता है। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग यानी कि इस तरह के सिस्टम को सेट करने का यूज़ क्या है, तो क्लस्टर कंप्यूटिंग ऑफर्स सॉल्यूशन टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बाय प्रोवाइडिंग फास्टर कंप्यूटेशनल स्पीड। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या करता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। किस तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, कि अगर अगर डेटाबेस सिस्टम के पास एक साथ ही बहुत सारे यूजर्स के रिक्वेस्ट आ जाए इंफॉर्मेशन के लिए, तो उस केस में क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या करेगा कि तुरंत अपने बहुत सारे नोड्स को एग्जीक्यूट करके, प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करके, कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करके सारे यूजर्स को इंफॉर्मेशन भेज देगा। तो इससे क्या होगा कि कंप्यूटेशनल स्पीड जो है वो फास्टर हो जाएगी और डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहेगी। मतलब डेटा की इंटीग्रिटी का मतलब कि डेटाबेस सिस्टम में जैसा डेटा पड़ा हुआ है एज इट इज़ वैसा ही डेटा उठ करके हर यूजर के पास इजीली पहुंच जाएगा, कोई भी डेटा चेंज हो करके या उल्टे पुल्टे डेटा जो है उठ करके यूजर के पास नहीं आएगा। तो कंप्यूटर क्लस्टर्स हैव इच नोड सेट टू परफॉर्म द सेम टास्क। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं, जितने भी नोड जुड़े हुए होते हैं, तो हर नोड को इस तरीके से सेट किया जाता है कि एक ही टास्क को परफॉर्म करता है। मतलब बहुत सारे यूजर्स की रिक्वेस्ट आई तो एक यूजर के रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ये क्लस्टर कंप्यूटिंग में जितने भी प्रोसेसर या सिस्टम लगे हुए थे, नोड लगे हुए होते, सारे नोड तुरंत एक रिक्वेस्ट को रीड करके, तुरंत उसको एग्जीक्यूट करके, तुरंत जो है विद इन सेकेंड में यूजर के पास इंफॉर्मेशन भेज देता। उसी तरीके से दूसरे रिक्वेस्ट को, तीसरे रिक्वेस्ट को, तो मतलब सारे रिक्वेस्ट को जो है बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग सिस्टम में। और
क्लस्टर कंप्यूटिंग में इतने सारे जो कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, इतने सारे जो नोड्स लगे हुए होते हैं, उन सारे नोड्स को कंट्रोल करता है और शेड्यूल करता है सॉफ्टवेयर के द्वारा। मतलब इसका भी सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सारे कंट्रोल्ड होते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग का यूज़ क्या होता है, तो लोड बैलेंसिंग के लिए और हाई अवेलेबिलिटी के लिए। लोड बैलेंसिंग का मतलब है कि एक साथ ही करोड़ों यूजर्स की रिक्वेस्ट, अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो एक साथ ही करोड़ों यूजर्स की रिक्वेस्ट अगर डेटाबेस सिस्टम के पास आ जाए, तो डेटाबेस सिस्टम पर तुरंत बहुत बड़ा लोड पड़ेगा। अगर एक प्रोसेसर होगा तो इतने सारे रिक्वेस्ट को तो प्रोसेसर एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाएगा, मतलब डेटाबेस को सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से डेटाबेस सिस्टम पर करोड़ों यूजर्स की रिक्वेस्ट जो आती है, तो डेटाबेस पे बहुत लोड आता है। तो उस सब लोड को कम करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए क्लस्टर कंप्यूटिंग का यूज़ किया जाता है और हाई अवेलेबिलिटी के लिए। अब करोड़ों यूजर्स ने एक साथ रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, तो करोड़ों यूजर्स के पास तुरंत उनके जो है वो जो इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन उनके पास तुरंत आ जाती है, तो उसी को हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो ये था क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ओरेकल के डेटाबेस में क्लस्टर क्लस्टर नाम बहुत बार आता है, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यार ये क्लस्टर कंप्यूटिंग, क्लस्टर क्या है, क्लस्टर सिस्टम क्या है, क्लस्टर सिस्टम क्या है। तो ये प्रॉब्लम्स अब नहीं आनी चाहिए। तो सिंपली क्लस्टर कंप्यूटिंग का मतलब है कि डेटाबेस सिस्टम की तरफ एक प्रोसेसर ना लगा करके, एक कंप्यूटर ना लगा करके, एक नोड ना लगा करके, वहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर, मल्टीपल नोड, मल्टीपल कंप्यूटर को लगा दिया जाता है, ताकि अगर बहुत सारे यूजर्स के रिक्वेस्ट कंप्यूटर सिस्टम के पास, मतलब डेटाबेस सिस्टम के पास आए, तो उसको इजीली से हैंडल किया जा सके और कंप्यूटेशनल स्पीड जो है वो फास्ट हो सके। लोड बैलेंसिंग समझ लेते हैं। अभी ऊपर जो है लोड बैलेंसिंग वर्ड आ रहा था, तो इसमें समझ लेते हैं कि लोड बैलेंसिंग क्या है। द अमाउंट ऑफ द वर्क इज डिवाइडेड बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर सो दैट वर्क गेट्स डन इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, ऑल यूजर्स गेट सर्वर फास्टर। तो लोड बैलेंसिंग क्या होता है कि डेटाबेस सिस्टम की तरफ अगर क्लस्टर कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट वहां पर अपनाया गया है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे नोड लगाए गए हैं, तो क्या होगा लोड बैलेंसिंग में कि मल्टीपल यूजर्स की रिक्वेस्ट वहाँ पर अगर आएगी, तो सारे रिक्वेस्ट को, सारे वर्क को बराबर बराबर भागों में बांट करके अलग अलग नोड को, अलग अलग कंप्यूटर को, अलग अलग प्रोसेसर को दे दिया जाता है, ताकि वर्क जो है, टास्क जो है, वो जल्दी जल्दी डन हो जाता है, वर्क जल्दी जल्दी डन हो जाता है उसी अमाउंट ऑफ टाइम में, उतने ही समय में, और जितने भी यूजर्स जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी इन्फॉर्मेशन के लिए, उनको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब सर्वर बहुत फास्टर हो जाता है, इसी को लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। आप समझते हैं हाई अवेलेबिलिटी। तो हाई अवेलेबिलिटी को स्केलेबिलिटी भी बोलते हैं। तो स्केलेबिलिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर हम डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है एक प्रोसेसर लगाएंगे, तो ज़्यादा टास्क को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दो प्रोसेसर लगाएंगे तो ज़्यादा टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, तीन प्रोसेसर लगाएंगे तो और ज़्यादा टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब अगर एक प्रोसेसर डेटाबेस सिस्टम की तरफ लगा हुआ है, एक नोड लगा हुआ है, एक कंप्यूटर लगा हुआ है, तो लेट सपोज 1 सेकेंड में अगर 100 ट्रांजेक्शन को वो सपोर्ट करता है, तो हम दो प्रोसेसर अगर लगा देते हैं, तो 1 सेकेंड में 200 ट्रांजेक्शन को उसे सपोर्ट करना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम प्रोसेसर 3 लगा देते हैं डेटाबेस सिस्टम की तरफ से, तो 1 सेकेंड में 300 जो है ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से रिजल्ट आता है, तो इसको हम बोलते हैं कि स्केलेबिलिटी है डेटाबेस में, यानी कि हाई अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ समझते हैं, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन टू कंटिन्यू टू फंक्शन वेल व्हेन इट इज चेंज्ड इन साइज इन ऑर्डर टू मीट यूजर्स नीड। तो मल्टीपल यूजर्स की रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसर डेटाबेस सिस्टम की तरफ लगाया जाता है, तो इसी को बोला जा रहा है कि जब साइज को चेंज कर देते हैं।
तो साइज को चेंज कर देते हैं, तो यूजर्स की नीड भी बहुत इजीली मीट करना चाहिए। तो वही अगर मल्टीपल यूजर्स के रिक्वेस्ट को सपोर्ट करना है तो मल्टीपल प्रोसेसर वहां पर लगा करके जो है मल्टीपल यूजर्स को इंफॉर्मेशन तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो इसी को हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो अगर हाई अवेलेबिलिटी लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लस्टर कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब नेटवर्क में, नेटवर्किंग सिस्टम में हमें एक और नए नए नोड को जोड़ना पड़ेगा। मतलब जितने नए प्रोसेसर को जोड़ेंगे, जितने नए नोड को जोड़ेंगे, जितने नए कंप्यूटर को जोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा यूजर्स के रिक्वेस्ट को ये सपोर्ट करेगा। तो हाई अवेलेबिलिटी का मतलब यही है कि मल्टीपल यूजर्स की रिक्वेस्ट अगर डेटाबेस सिस्टम की तरफ आए तो मल्टीपल प्रोसेसर लगा करके यूजर्स के पास इन्फॉर्मेशन तुरंत आ जाए तो वहां पर हाई अवेलेबिलिटी हो जाएगी। आगे चलते हैं थॉरोपुट। थॉरोपुट क्या है? तो थॉरोपुट भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब मैं नया था, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, तो मुझे ये वर्ड समझ में ही नहीं आता था कि थॉरोपुट थॉरोपुट क्या बोलते रहते हैं ये। तो थॉरोपुट का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर कि 1 सेकेंड में कितने ट्रांजेक्शन को डेटाबेस सपोर्ट कर रहा है, तो उसी को मेजर किया जाता है कि 1 सेकेंड में 100 ट्रांजेक्शन को डेटाबेस सपोर्ट कर रहा है तो उसका थॉरोपुट जो है 100 है। अगर 1 सेकेंड में 200 ट्रांजेक्शन को सपोर्ट कर रहा है डेटाबेस तो थॉरोपुट 200 है। तो ये परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक तरीका है, उसी को थॉरोपुट बोला जाता है कि 1 सेकेंड में कितने ट्रांजेक्शन डेटाबेस सपोर्ट कर रहा है। मतलब 1 सेकेंड में कितने यूजर्स के रिक्वेस्ट को डेटाबेस सपोर्ट कर रहा है और इन्फॉर्मेशन को यूजर के पास पहुंचा रहा है। तो द नंबर ऑफ टास्क दैट कैन बी कंप्लीटेड इन ए गिवन टाइम इंटरवल। तो एक पर्टिकुलर टाइम में, लेट सपोज 1 सेकेंड में जो है कितने टास्क को, कितने नंबर ऑफ टास्क को डेटाबेस सिस्टम कंप्लीट कर रहा है, उसी को थॉरोपुट बोलते हैं। और रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ये भी मिलता जुलता ही शब्द है थॉरोपुट का। द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट ए सिंगल टास्क फ्रॉम द टाइम इट इज सबमिटेड। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि जब डेटाबेस सिस्टम के पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है तो एक रिक्वेस्ट या एक टास्क को कंप्लीट होने में डेटाबेस सिस्टम कितना टाइम लेता है, तो वो जो टाइम लेता है डेटाबेस सिस्टम एक सिंगल टास्क को कंप्लीट करने में, तो उस सिंगल टास्क को कंप्लीट करने में जितना टाइम डेटाबेस सिस्टम ने लिया है उसी टाइम को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पैरेलल डेटाबेस सिस्टम का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। और इस स्लाइड में मैंने जो है क्लस्टर कंप्यूटिंग, लोड बैलेंसिंग और थॉरोपुट, रिस्पॉन्स टाइम, ये जो चार पांच जो टर्मिनोलॉजीज के नाम लिए हैं, ये सारे टर्मिनोलॉजीज आप यहाँ से अच्छे से इसको समझ लीजिए। और अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो इसको नेट वगैरह में जा करके अच्छे से सर्च करके इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि डेटाबेस के एनवायरमेंट में आपके सामने ऐसे जो है टर्मिनोलॉजीज बहुत बार आएंगे, तो फर्स्ट टाइम जो है आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो मेरा ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। तो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम का पूरा टॉपिक जो है मेरा इसी वीडियो लेक्चर के साथ ख़त्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ वापस लौटेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।